ये सोचो, दिस टॉपिक की काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सबसे पहले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमारे पास कौन कौन है? वो मोशन जो कि सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे कोई भी ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है, और पूरी की पूरी एक्सेलरेशन क्या है, इसी तरह से एक्सेलरेशन जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है, तो उस तरह के मोशन हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसके रिगार्डिंग ना हमारे पास इक्वेशन होती है, नो डाउट हमने ये इक्वेशंस पहले भी की है, क्लास 9 में की थी, बट उनसे ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी। सबसे पहले मैं वो इक्वेशंस लिख देती हूँ, फिर उनको सॉल्व करेंगे। तो इसमें बच्चे हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी V इज इक्वल टू V नॉट प्लस AC, ठीक है। अब A को यहाँ पर A नहीं बनेंगे, ये हमारा होगा, हाँ A एक्सेलरेशन है, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड इक्वेशन आएगी X इज इक्वल टू X नॉट प्लस V नॉट T प्लस हाफ AC स्क्वायर। पिछले वाले में ये V नॉट नहीं था हमारे पास, वो था u, v इज इक्वल टू u प्लस ए, है ना। इसमें इस वाले में ये v नॉट t, x नॉट, ये नई चीजें आ रही है हमारे पास। इसको और क्या कह सकते हैं हम, इसका अदर फॉर्म है सेकेंड वाले का, f इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर हमारे पास आती है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कौन सी है हमारे पास? बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। इसको अदर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? इसी इक्वेशन को, बी स्क्वायर वाले को अगर सॉल्व करके अदर फॉर्म में लिखे तो बी नॉट स्क्वायर हमारे पास टू ए एक्स के इक्वल आ जाएगा। फोर्थ इक्वेशन पे आते हैं। फोर्थ इक्वेशन है एक्स एंथ, यानी कि एंथ टर्म जो हमारे पास आ रही है वी नॉट प्लस ए अपॉन टू टू एन माइनस वन। अब इन सारे इक्वेशन में सेकेंड और थर्ड इक्वेशन पे ध्यान दो, एक्स माइनस एक्स नॉट को इन्होंने एस कह दिया। इस वाले में भी जब ये एक्स माइनस एक्स नॉट इस तरफ जाएगा, एक्स नॉट लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स नॉट बन जाएगा, उसको इन्होंने एस बना दिया, तो एस हमारे पास क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो हमारे पास इस बार जब हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं, हमारे पास चार क्वेश्चन आ रहे हैं, चार इक्वेशन आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। याद रखो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट। नाउ व्हाई इट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्यों हो रही है? क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि हर जगह पे वो सेम है। अगर वो हर जगह पे चेंज हो रही होती तो एक्सेलरेशन हमारी वेरिएबल होती, राइट। अब इस वाले मोशन में स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये उसका ओरिजिन है, ठीक है। फिर यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में जब वो जीरो टाइम पे था, यहाँ पे था, इस वक्त इसकी पोजीशन थी एक्स नॉट और इसकी वेलोसिटी थी वी नॉट। कुछ समय बाद टी टाइम पे इसकी पोजीशन एक्स होगी और वेलोसिटी इसकी होगी वी, ठीक है। अब एक्स नॉट को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, एट इंस्टेंट इज इक्वल टू जीरो, और एक्स कब आएगा जब हमारे पास इंस्टेंट क्या है, टाइम क्या है, टी है। एंड सिमिलरली वी नॉट होगा, वी नॉट कब आएगा जब हमारे पास जीरो टाइम होगा, एंड वी आएगा जब हम टी टाइम पे होंगे। वी क्या है, वेलोसिटी, और एक्स क्या है, पोजीशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एक सर्टेन टाइम पे, सर्टेन टाइम पे हमारे पास वेलोसिटी
कितनी आएगी, मतलब एक खास समय के बाद हमारे पास कितनी वेलोसिटी आएगी या आ सकती है, एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेबल, है ना। एक्सेलरेशन को मैंने ए से डिनोट कर दिया, तो चेंज इन वेलोसिटी वी माइनस वी नॉट होगी, ये हमारी इनिशियल है, ये हमारी फाइनल है, राइट। एक तरह से यही दो सिनेरियो है हमारे पास, यही दो पोजीशंस है, उसमें यही हमारी इनिशियल होगी और ये फाइनल होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी के वक्त टाइम कितना 30, इनिशियल वेलोसिटी के वक्त टाइम कितना है 0, तो इसमें से एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ गई, v माइनस वी नॉट अपॉन टी, ये टी को मैंने ऊपर ले ली, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट, नेगेटिव वी नॉट लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो v मेरे पास आ जाएगा वी नॉट, मतलब उसको आप सॉल्विंग, ये पोजीशन मेरे पास आ जाएगी। अब सोचो ये इक्वेशन पहले देखी कहीं लगती है, फर्स्ट इक्वेशन है, और इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, क्यों, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद वेलोसिटी क्या होगी। अब देखिए ये वी पोजीशन के बाद क्या वेलोसिटी होगी, हमें इस इक्वेशन से ही पता लगेगी, इस वक्त कितनी थी, एक्सेलरेशन कितनी थी, और इस वक्त टाइम कितना था, जब ये दोनों चीजें ऐड होंगी ऑब्वियसली ये वाली जो अमाउंट है इससे तो ज्यादा ही आएगी। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद टी टाइम के बाद कितनी वेलोसिटी हो रही है इस एरिया में, इस ऑब्जेक्ट के, तो वो हमें इस इक्वेशन से पता लग रही है, समझ लगा यहाँ तक। यस मैम। अब इसी सिनेरियो को लेते हैं, इसी सिनेरियो में अब हम बात करेंगे कितना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, डिस्टेंस कवर्ड इन ए सर्टेन टाइम, एक सर्टेन टाइम मतलब वही टी, यहां तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया बेसिकली। अब डिस्टेंस कवर करने से पहले मोशन देखिए कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, सीधा जा रहा है लेफ्ट से राइट, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होगी। अगर डिस्टेंस कंप्लीट कवर करने की कोशिश करते तो स्पीड उठानी पड़ेगी, स्पीड तो हमें चाहिए ही नहीं, काइनेमेटिक इक्वेशन हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी, तो क्यों ना डिस्प्लेसमेंट ही उठाए। तो मान लीजिए कि टाइम इंटरवल 0 पे यहाँ पे जो है हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी टाइम इंटरवल 0 पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे कंसीडर करें तो ये इनिशियल पोजीशन ही है, फिर भी हमारी ये फाइनल है क्योंकि ये ओरिजिन है, यहाँ को इसको तो हम कंसिडर ही नहीं कर सकते, इसमें कुछ है ही नहीं हमारा, है ना, यहाँ पे तो सब कुछ 0 है, तो ये हमारी फाइनल, ये इनिशियल, तो एक्स माइनस एक्स नॉट हो गया, अगेन टी माइनस 0 हो गया, है ना, तो वी ए वी यहाँ पर टी ऊपर आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट आ गया। बीएवी का हमने जब फिलोसफी वाला टॉपिक किया था तब हमने किया था जो इनिशियल वेलोसिटी होती है प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी थी। कोई भी चीज है आपने एवरेज निकाला, मैथ में भी आप स्टैक वाले चैप्टर में जब एवरेज निकालते थे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू होता था, सेम इसमें ये फर्स्ट टर्म होगी ये लास्ट टर्म होगी अपॉन टू, दोनों का जोड़ करके 2, तो एवरेज वेलोसिटी ये निकल आई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वी नॉट, फाइनल कितनी है वी अपॉन टू। अब ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में फिल कर देंगे, वी नॉट प्लस वी अपॉन टू इंटू टी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, समझ में आ रहा है। यस मैम। अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना,
इस वाले में यहाँ पे वी पढ़े है ना, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास वी की वैल्यू आ गई, ये वी की वैल्यू अब इसमें फिल कर दी इधर, तो मैं यहाँ पे स्पेस बना के लिख देती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी की जगह पे वी नॉट तो ये रहा, प्लस वी नॉट प्लस ए टी अपॉन टू इनटू टी पड़ा है इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। पता चला क्या हुआ, फिर वी नॉट प्लस वी नॉट टू वी नॉट प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी इजिकल टू एक्स माइनस एक्स हुआ। यहां तक हुआ, अब बाकी क्या करना है, अब ये वाला टी जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, और टू भी क्या है अलग अलग अपने न्यूमिनेटर के साथ अलग अलग हो जाएगा, दोनों स्टेप इकट्ठे चलेंगे, टू वी नॉट टी अपॉन टू प्लस ए टी इंटू टी टी स्क्वायर हो गया अपॉन टू इजिकल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब इसके साथ ये कैंसल, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इजिकल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, तो एक्स माइनस एक्स नॉट क्या होता है एस। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन क्या थी, एस इजिकल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या इसको कह दी एक्स इजिकल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भाई एक्स नॉट अगर इधर जा चला जाए, क्लियर हुआ, सेकेंड इक्वेशन निकल जाएगी। यस मैम, अब इसमें एक चीज का ध्यान देना है, अगर तो एक्स एक्स नॉट वाली उठा रहे हैं हम, इसको हम कहेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। अगर हम उठा रहे हैं सिंपल एस वाले तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस टाइम रिलेशन, क्यों, वो इस ऑब्जेक्ट में इस ऑब्जेक्ट तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया वही चीज होगी ना, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस टाइम रिलेशन। तो इस तरह से सिर्फ एक्स माइनस एक्स नोट को एस लिखने से पूरी की पूरी इक्वेशन का नाम और उसका पर्पस चेंज हो गया, क्लियर हुआ ये मतलब। यस मैम। ठीक है, अब हम थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, इसको मैं एक बार क्लियर कर दूं, वही सिनेरियो है सेम। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी एट ए सर्टेन पोजीशन, जो फर्स्ट वन थी वो वेलोसिटी थी आफ्टर सर्टेन पोजीशन, ये एट सर्टेन पोजीशन है, लेकिन एट के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो हमने फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन निकाली थी वो कंसीडर करेंगे, वी इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, वी माइनस वी नॉट ए टी के इक्वल आ गया। ठीक है, अब एक चीज और, एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो टाइम को अगर मैं इस तरफ कर दो इनटू टाइम इधर भेज दो तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी तो आगे वी प्लस वी नॉट अपॉन टी है ना, और टाइम का मैंने टी इधर लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया एक्स माइनस एक्स नॉट हो गया। अब टू भी इधर चला गया टी भी इधर चला गया, वी प्लस वी नॉट की मेरे पास वैल्यू आ गई टू अपॉन टी एक्स माइनस एक्स नॉट। एक तो मेरे पास इक्वेशन आई ये, एक मेरे पास इक्वेशन आई ये, मैथमेटिक्स में किया था ना मल्टीप्लाइंग, इक्वेशन नंबर वन एंड टू वी ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करेंगे हम, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई होगी, वी प्लस वी नॉट इंटू वी माइनस वी नॉट, ये लेफ्ट हैंड साइड इसका ये कवर हो गया, ये वाला कवर हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और इसका ये वाला लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास एक ये है और एक ये है, तो राइट हैंड साइड पे आते हैं ए टी इंटू टू अपॉन टी एक्स माइनस एक्स नॉट,
है फैट टी कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर हमारा लग गया एलजेब्रिक फॉर्मूला, बोला था ना, इसमें लगेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हो गया 2a x माइनस एक्स नॉट। अब ये वी नॉट स्क्वायर इधर चला जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। अब ये x माइनस एक्स नॉट हमारे पास क्या है, x प्लस 2a x, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास ऊपर वाली, जितनी एक्स माइनस एक्स नॉट की बात हुई है, वो तो सिर्फ पोजीशन बता रही है हमें, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो एक कौन सा रिलेशन होएगा, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। इसमें टाइम क्यों नहीं कहा, क्योंकि कहीं पे टाइम मेंशन नहीं है। मेजर टर्म्स हमारे कौन सी है वेलोसिटी की, इसमें भी मेजर टर्म वेलोसिटी है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन आ जाएगा। यहां तक समझ आया? यस मैम। नाउ फोर्थ इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे सेम सिनेरियो से, यानी कि हमारे पास कोई ओरिजिन है, उसके बाद हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज लिखेंगे, क्योंकि जो फोर्थ वन है हमारे पास, इट इज अबाउट डिस्टेंस कवर्ड इन, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास स्ट्रेट मोशन चल रहे हैं, यहाँ पे जीरो टाइम पड़ा है, यहाँ पर है हमारे पास टाइम एन। अब एन से पहले हमारे पास में छोटी टर्म आती है एन माइनस वन, ठीक है। मान लो जीरो से लेके एन सेकेंड्स तक इसने एस एन डिस्टेंस कवर कर दिया, इतना यहां तक इसने एस एन डिस्टेंस कवर कर लिया, तो यहां पर कितना कवर होगा, एस एन माइनस वन यहां से यहां तक, तो ये वाला कितना रह गया जो रिमेनिंग है, ये हमारे पास रहेगा एस एन एफ डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक। इस तरह से हमारा डिस्टेंस भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसमें फर्स्ट टी सेकेंड्स में जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट टी सेकेंड्स, फर्स्ट 30 सेकेंड्स में हमारे पास एस टी आएगा, एन की जगह पे टी आ गया, इक्वल टू वी नॉट टी। डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन हो रहा है, क्यों टाइम आ गया डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस टाइम रिलेशन आएगा। फिर अगर एन माइनस वन सेकेंड्स में, फर्स्ट एन माइनस वन सेकेंड्स में कितना आ जाएगा, एस एन माइनस वन वी नॉट टी प्लस हाफ वी नॉट एन माइनस टी आएगा, सॉरी एन माइनस वन वी नॉट इंटू एन माइनस वन टाइम की जगह पे प्लस हाफ ए एन माइनस वन की होल स्क्वायर। टाइम कितना है यहाँ पर, एन माइनस वन, पहले कितना था टाइम, टी था। सिमिलरली फर्स्ट एन सेकेंड्स में हमारे पास कितना आएगा, डिस्टेंस टाइम रिलेशन क्या आएगा, एस एन वी नॉट एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ये फर्स्ट एन सेकेंड सॉरी हमने कौन सा निकालना है, एन सेकेंड मतलब कि इस वाले सेकेंड में कितना हो गया, ये यहां से लेके यहां तक था, इसमें कितना हो गया एन सेकेंड में, तो कैसे निकालेंगे, एस एन तुम्हारे पास आएगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एस एन की वैल्यू कितनी है, वी नॉट एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, राइट, माइनस ब्रैकेट में रखेंगे वी नॉट एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन की स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वी नॉट एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, पहले तो इसको ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, सारे को सारे के खोलेंगे, वी नॉट एन माइनस वी नॉट प्लस, अब
ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, है ना? तो 1/2 ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एल, ये बन जाएगी। फिर वी नॉट एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस वी नॉट एन माइनस वी नॉट प्लस हाफ ए, इसको खोल दो एन स्क्वायर, फिर ये हाफ ए अंदर चला गया, फिर माइनस हाफ ए 2 एन, ये 2 के साथ और 2 यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, जैसे ही ब्रैकेट को खोलोगे प्लस वाली चीज माइनस भी हो जाएगी, माइनस वाली चीज प्लस में हो जाएगी, मैथमेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण प्लस माइनस 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 प्लस, ये चीज आ गई प्लस वी नॉट माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए एन। तो देखो ये और ये टर्म कैंसिल होगी, ये और ये टर्म भी कैंसिल होगी, क्या बचा पीछे के एस एन के लिए, क्या बचा पीछे? बी नॉट बच गया, माइनस हाफ ए बच गया, प्लस ए एन बच गया। तो ए इसमें कॉमन निकल रहा है, अगर मैं सीधा ए अपॉन टू कॉमन निकाल दू इस वाले पार्ट में, तो वी नॉट माइनस ए अपॉन टू कॉमन निकाल लिया, बी ए वाला ए अपॉन टू तो 1 आ गया, माइनस का निकाला है तो ए प्लस 1 हो जाएगा, नहीं माइनस का निकाला है तो ये पीछे माइनस रह जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस का ही निकाल दो, काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, ये -1 वाला पीछे रह गया, अब यहाँ पे एस तो निकल गया, टू नीचे है नहीं तो वो ऊपर आ जाएगा, टू है वो, प्लस का निकाल के कि माइनस वाले टर्म पीछे चले जाएंगे, टू एन माइनस का। इस तरह से आपकी फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन इन एन एक्स सेट। समझ में आया यहाँ तक? मैम, जो ये आपने SN की निकाली थी उसके बाद समझा दो दोबारा से। ये कहाँ से बेटा, कौन से स्टेप से? हाँ फर्स्ट एंड सेकंड के बाद ओके, देखिए हमने क्या किया, एसएन को जब निकालनी है, ये यहाँ पे एसएन, तो जो एन पे होगी माइनस दिस पर यही होगी, ये फाइनल है, यहाँ पे ये इनिशियल है, ठीक है? तो फाइनल हमारी एस एन, इनिशियल एस एन माइनस, ठीक है? इसको मैं कल चेंज करूंगा, ठीक है? अब एस एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमने निकाली थी वी नॉट एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये यहाँ पे डाल दी, एस एन माइनस 1 की थी वी नॉट एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 स्क्वायर, ये चीज यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इसको खोला है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए, 2 n into 1 तो 2 n जाएगा, ये वाली चीज को ओपन किया वी नॉट एन माइनस वी नॉट, ठीक है? अभी वी नॉट एन माइनस वी नॉट एज इट इज, ये जो ए वाली टर्म है ठीक है, और ये हाफ है, इन दोनों को एक साथ इसके साथ सारी ब्रैकेट को खोल दिया, तो हाफ ए एन स्क्वायर ये रहा, यहाँ पे -1 है, हाफ इंटू ए, हाफ इंटू ए हो जाएगा, ये माइनस का 2 है ना, तो माइनस हाफ इंटू ए हाफ ए 2 n हो जाएगा, 2 के साथ ही 2 कैंसिल हो गया, तो पीछे कितना बच गया, ये ए एन रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अब सारी ब्रैकेट को खोल देंगे तो यहाँ पे बाहर साइन माइनस कहना, तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे जो चीज प्लस की है वो तो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, तो ये चीज यहाँ पे प्लस की है, माइनस वी एन हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 माइनस, यहाँ पे प्लस का। अब ये चीज पॉजिटिव है, सेम चीज इसमें नेगेटिव क्वांटिटी में पड़ी है तो ये कैंसिल होगी यहाँ पे, सिमिलरली ये चीज पॉजिटिव और ये नेगेटिव पड़ी है तो ये कैंसिल होगी यहाँ पे, पीछे क्या बचा, ये वाला वी नॉट माइनस हाफ ए प्लस ए, ये चीज रहेगी। अब इसमें अगर मैं ये वाली चीज को यहाँ पे दोबारा कर देती हूँ, एसेंस में मेरे पास वी नॉट माइनस ए अपॉन टू प्लस ए एन, हाफ ए को ए अपॉन टू लिख सकते हैं, ठीक है? अगर मैं इसमें कॉमन निकाल लें ए अपॉन टू को,
ए अपॉन टू को मैंने कॉमन निकाल दिया। अब देखो ए अपॉन टू को कॉमन निकाल दिया, लेकिन आगे साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस का, तो कहीं माइनस वन ही आ गया। प्लस ए तो निकल गया, लेकिन नीचे तो इसके टू है नहीं, तो जो नीचे इसके टू लगना था वो मैथमेटिकल फॉर्मूला के कारण वो ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो माइनस वन प्लस टू एन को हम क्या लिख सकते हैं, टू एन माइनस वन। तो इस तरह से आपकी क्या है, फोर्थ मैथमेटिक काइनेमेटिक इक्वेशन आ गई। यहां तक कोई डाउट? नो मैम, क्लियर हो गया सारा? ठीक यस मैम, है, अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालेंगे। अभी हमने क्या निकाली, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हम क्या है, कैलकुलस मेथड की हेल्प से, कैलकुलस मेथड की हेल्प से इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाल। कैलकुलस मेथड मींस वही डिफरेंशिएशन इंटेग्रेशन, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम शुरुआत करेंगे बेटा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डीवी ओवर डीटी। डीवी के चेंज इन वेलोसिटी, डीटी के चेंज इन टाइम। अब अगर ये डीटी ऊपर चला जाए, ए इंटू डीटी आ जाएगा इंटू डीवी। एक चीज ध्यान दो, जो चीज जैसे है ना डी के साथ, जो चीज है वो वैसे रहेगी। कभी भी ये नहीं होता कि जो ए है ये इधर पड़ा है, इसको मैं बीच में लाके डी ए टी लिख दूँ, नो। ये डिफरेंशिएशन फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म है ये। इसके एक तरह से ना ये इसका थीटा है, जैसे हम कहते हैं ना साइन थीटा, ये इसका एक तरह से थीटा है। साइन के जैसे थीटा निकाल के कुछ भी नहीं डाल सकते, सी नहीं डाल सकते, एफ नहीं डाल सकते, ए नहीं डाल सकते, सिमिलरली इसका भी ये टी, ये इसका वी निकाल के हम ऐसे अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल सकते, ये रूल होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहां तक हम पहुंच गए, ए डी टी इज इक्वल टू डीवी के इक्वल आ गया। तो जब हमारे पास टाइम 0 होगा, तो उस वक्त हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी। उस इनिशियल वेलोसिटी को मैंने नाम दे दिया, जैसे नाइट में कहते थे यू। जब मेरे पास टाइम टी है, तब मेरे पास एक फाइनल वेलोसिटी आएगी जिसको मैंने नाम दे दिया वी। तो मेरे पास है एक तो ये डीवी इज इक्वल टू ए डी टी वाली टर्म आ गई, ए डी टी, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, इस रहते साफ सा बनाना होता है सीधा। खैर इस पे मेरा टेढ़ा बन रहा है, साफ सा बनाना होता है। ठीक है, डीवी इज इक्वल टू ए डी टी को इंटीग्रेट कर दिया हमने दो बोथ साइड्स पे, और लिमिट क्या ली यहाँ पे, तो जैसे वी है, वेलोसिटी की बात हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है तो 0 टाइम पे हुआ अप टू टी टाइम पे। ठीक है, जो चीज पहली होती है, जो चीज शुरुआत में होती है वो नीचे लगती है, एंड वाली ऊपर लगती है। अब डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। ठीक है, तो डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल वी, लेकिन इसकी लिमिट्स अभी पड़ी है यू टू वी। सिमिलरली ए डी टी, ए तो हमारे पास एक तरह से कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल गया, ए इंटू डी टी रह गया 0 टू टी। वी की वैल्यू, जब भी हमने लिमिट की ये जो वैल्यूज है ये फिल करनी होती है, मान लो मेरे पास एक्स है, एक्स की वैल्यू 0 टू 1 है, तो पहले मैं ऊपर वाली वैल्यू फिल करूंगी एक्स की जगह पे 1, फिर मैं नीचे वाली वैल्यू फिल करूंगी माइनस डाल के। मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है तो 1 की स्क्वेयर माइनस 0 की स्क्वेयर। मान लो यहाँ पे 2x है तो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0, ऊपर वाली पहले माइनस नीचे वाली। सिमिलरली इसमें वी की जगह पे तो वी आ गया माइनस नीचे वाली ये, ए डी टी का टी आ गया, लिमिट कितनी है 0 टू टी, वी माइनस यू ए टी माइनस 0, तो वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी।
इससे जो 9th में की थी v इक्वल टू u प्लस ab, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। एक बार देखो इसमें से, डाउट पूछो, कुछ पूछ लेते, नया नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, दोबारा भी समझा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लियर करो अच्छे से। ठीक दोबारा समझा दो मैम। है, सारा सॉल्व कर देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, शुरुआत होगी हमारी बेटा एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन होती है डीवी ओवर डीटी, डीवी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डीटी क्या है, चेंज इन टाइम। मान लो ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया, जब उसका टाइम 0 था और जब उसका टाइम टी था, 0 टाइम पे इसकी वेलोसिटी यू थी, टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी वी थी। अब इसी इक्वेशन पे वापस आते हैं। अब अगर मैं अकेले ए की इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो मेरे पास ना पीछे कोई डीए वाली टर्म नहीं है, तो मैं इसकी इंटीग्रेशन कर नहीं पाऊंगी। तो ए तो वैसे भी हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन में, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, ए हमारा क्या, यूजली हम कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो इसी कारण डीटी को मैंने ऊपर ले लिया, ए इंटू डीटी इज इक्वल टू डीवी, तो इसको मैं डीवी इज इक्वल टू ए इंटू डीटी लिख सकती हूँ, है ना। अब अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो मेरे पास इससे वी की भी वैल्यू हुई आ जाएगी, सही वैल्यू, मतलब ये तो पार्शियल वैल्यूज आ गई ना, डीटी में से पार्शियलिटी आ गई, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब जब टाइम 0 था, टाइम 0 था तब वेलोसिटी कितनी थी यू, जब टाइम टी था यहाँ पे तब वेलोसिटी कितनी थी वी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब भी हम डी वाली टर्म के आगे पीछे अगर सोच लो, अगर अकेला डी और उसके साथ उसका जो बीच में एंगल वगैरह या थीटा वगैरह या कुछ भी एक्स हो वी हो, तो अकेली पीछे वाली ये वाली टर्म रह जाती है, खत्म हो जाती है, डी वाली टर्म खत्म हो जाती है, तो वी रह जाएगी अपनी, लेकिन इसकी लिमिट है यू टू वी। अब ए हमने शुरुआत में क्या किया था, कॉन्स्टेंट है, काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट, तो बाहर आ गया, और अब हमारे पास पीछे क्या रह गया, अकेला डी टी रह गया, वी वाले को मैं एक बार ऐसे ही छोड़ती हूँ। सेम चीज जैसे डीवी वाले में थी, पीछे वाले ये वाली टर्म आ जाएगी, ये खत्म हो जाएंगी, दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी, तो टी आ गया, ये दोनों चीजें खत्म, आपस में कोलैप्स कर गई, खत्म हो गई, 0 टू टी। पहले ऊपर वाली टर्म माइनस भी नीचे वाली, जैसे हम कहते हैं ना फाइनल माइनस इनिशियल, सेम वही चीज है, ऊपर वाली टर्म वी की जगह पे वी फिल कर दी और वी की जगह पे यू फिल कर दिया ए, अब टी की जगह पे टी फिल कर दिया, अब फिर बाद में टी की जगह पे जीरो फिल कर दिया, तो वी माइनस यू इज इक्वल यू इज इक्वल टू ए इंटू टी, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू प्लस ए टी। इस तरह से आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, समझ में आई। यस मैम। अभी इसको याद रखना बहुत मुश्किल है, तो आपने अभी क्या करना है, इसको पहले तो देख देख के सॉल्व करो, कौन सी चीज कहाँ हुई है, स्टेप्स याद करो, क्योंकि कई बार के डेरिवेशन आ सकती है एग्जाम में, वैसे तो बहुत कम चांस होते हैं कि आपको इतनी इजी डेरिवेशन आ जाए, क्योंकि आगे जाके इससे कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है, बट वो कॉम्प्लेक्स तक अगर पहुंच रहे तो पहले इजी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी बैठ के इसको पहले देख देख के सॉल्व करो, ऐसी पड़ी है स्क्रीन, फिर इसको बिना देखे सॉल्व करो, और बिना देखे सॉल्व करते वक्त अगर कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछ रहा है, या तो देख लो या मेरे से पूछ लो कि इसके बाद ये चीज कैसे हो सकती है, क्या स्टेप आएगा, ठीक है। ठीक यस मैम। है, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको सॉल्व करना इजी हो जाए। यस मैम।